सो गाइस नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 17 है। इस वीडियो में मैं आपको TCP/IP मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो से पहले मैंने आपको OSI मॉडल के बारे में बताया था, वो एक कंप्लीट रेफरेंस मॉडल होता है। आपको आज मैं TCP/IP मॉडल के बारे में बताऊंगा, ये एक्चुअल में एक OSI मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन है, बिल्कुल उसी की प्रायोरिटी में इसे भी डिजाइन किया गया है। एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हम फिजिकली अपने नेटवर्क में करते हैं। एंड जो OSI मॉडल है वो एक्चुअल में थियोरटिकल बेस्ड मॉडल होता है, जिसका हमें इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई ऐसे हमारा डाटा सेंड होता है, रिसीव होता है, लेकिन फिजिकली हम उसे नहीं देख सकते हैं। वहीं जो TCP/IP मॉडल है हम इसे फिजिकली भी देख सकते हैं, इसमें जो चार लेयर्स होती हैं उनमें क्या क्या काम होते हैं वो हम समझ सकते हैं, और हमें लॉजिकली हमें वो पता चल जाता है कि यहाँ पे TCP/IP मॉडल वर्क करता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन TCP/IP मॉडल की इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और TCP/IP मॉडल की सारी इन्फॉर्मेशन एंड तक आपको मिल जाएगी। सो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस जो TCP है, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की आपको पता ही होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये TCP/IP मॉडल का पूरा सूट होता है, जहां पे आपके TCP जो होती है वो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, आपका जो कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे जो भी काम होता है TCP में, यानी आपका ओरिएंटेशन का जो काम होता है कि आपका डाटा कैसे पहले वहां पे रिस्पॉन्स लेगा, कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, इसके बाद कैसे वो ट्रांसमिट होगा, पूरा यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका TCP/IP मॉडल है, पहले हम समझ लेते हैं TCP क्या होता है। गाइस TCP एक तरीके का ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है, जहां पे आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जहां पे आपको कम्युनिकेशन करना होता है। आपकी रिक्वेस्ट पहले वहां पे एक्सेप्ट होगी, रिस्पांस आएगा आपको, तब आपका वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल बिल्ड हो चुका है, आपको श्योरिटी हो जाएगी। इसके बाद आप वहां पे अपने डाटा पैकेट्स को भेजते हो, तो यहाँ पे आपके डाटा लूज होने का खतरा नहीं रहता है। तो ये एक्चुअली की कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, जो कि हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तब यूज होती है। तो यहाँ पे IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड है TCP, तो यहाँ पे उसी का मॉडल है। तो द TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, द TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड प्रायर ऑफ द OSI मॉडल। तो इसी की प्रायोरिटी के लिए, इसी का अल्टरनेट बनाने के लिए, हमें प्रायोरिटी दिखाने के लिए, मतलब कि हाँ भाई OSI मॉडल आपका वर्क करता है, एज अ अल्टरनेट दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस मॉडल को यहाँ पे डिजाइन किया, जो कि हमें फिजिकली भी देखने को मिल जाता है। OSI एक थियोरटिकल बेस्ड मॉडल था, जो कि रियल में आपका एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हमें फिजिकली नहीं दिखता। तो फिजिकली हमें एक स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उसलिए हमने TCP/IP का इजाद किया, या यहाँ पे आप मान लो एक नया मॉडल का क्रिएशन किया। द TCP/IP मॉडल इज नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू द OSI मॉडल, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम, एकदम OSI जैसा नहीं है। OSI में आपकी 7 लेयर्स होती है, यहाँ पे आपकी 4 लेयर्स होती है, लेकिन 4 लेयर्स में आपकी 2-3 लेयर ऐसी हैं जिसमें आपकी OSI की 3-3 लेयर भी स्प्लिट हो रही है। तो वो कैसे डिफरेंस है हम आगे जानेंगे, अभी इतना समझ लो बिल्कुल सेम OSI की तरह ये नहीं है। द TCP/IP मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, इसमें 4 लेयर होती है, जो आपकी 5वीं लेयर होती है, देखो 4 तो मेन होती है, आपकी जो 5वीं होती है वो एक आप मान लो एक मिसलिनियस लेयर होती है, जो कि मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कई केसेस में, कई में नहीं कर सकते हो, तो मिसलिनियस में हम उसे कंसीडर करते हैं। जो मेन होती है वो 4 होती है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स होती हैं आपकी, हम 4 मान रहे थे लेकिन एक 5 हम पूरा टोटल यहाँ पे पूरा कंज्यूम करके चलेंगे, 5 लेयर हम मानने वाले हैं। द फर्स्ट 4 लेयर्स प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड, देखो हम 4 फिजिकल स्टैंडर्ड वाली लेयर को कंसीडर कर रहे थे। नेटवर्क इंटरफेस की ये अलग होती है, जो कि इंटरनेटवर्किंग और ट्रांसपोर्ट फंक्शन परफॉर्म करती है करस्पोंडेंस में, और जिसमें आपकी जो 4 लेयर है वो OSI मॉडल से सेम होती है, और 5वीं जो लेयर है वो TCP/IP मॉडल के रेफरेंस को दिखाती है। तो सिंगल लेयर कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, तो ये कैसी होती है हम आगे जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतनी डेफिनेशन समझ लो आप कि OSI मॉडल जैसा सेम नहीं होता है, ये एक तरीके की इम्प्लीमेंटेशन होती है OSI मॉडल की, कि हमें दिखाना पड़ता है इम्प्लीमेंट कैसे होता है पूरा OSI मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करती है, कुछ और भी चीजें वर्क करती है जिससे आपका ये पूरा मॉडल क्रिएट होता है। TCP/IP इज अ हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरएक्टिव मॉड्यूल्स एंड ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज। तो एक हायरार्किकल प्रोटोकॉल यहाँ पे होती है पूरी, मतलब हायरार्किकल मतलब एक कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स,
जो कि इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स पे वर्क करती है, यानी अलग अलग चीजों पे वर्क करती है, अलग अलग काम कराने पे वर्क करती है और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज क्रिएट करती है। जस्ट लाइक आपका डाटा इसके थ्रू यहां तक जाएगा, फिर इसके बाद इस डिवाइस से निकलेगा तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू निकलेगा, तो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हो जाएगी हर प्रोटोकॉल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो रेफरेंस मॉडल था जो ओएसआई मॉडल का, वहां पे 7 लेयर्स थी, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, रिप्रेजेंट, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी टीसीपी आईपी की कॉन्सेप्चुअल लेवल है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कहते हैं इसे, थ्योरेटिकल नहीं कहते, कॉन्सेप्चुअल होती है, और यहाँ पे आपका पूरा रेफरेंस होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपकी लेयर होगी वो ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों लेयर के बराबर होगी। ठीक है, तीनों काम यहाँ पे एप्लीकेशन में ही हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट में सिमिलर होता है ओएसआई की तरह, सिमिलर और कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है। नेटवर्क भी बिल्कुल सिमिलर होती है ओएसआई की तरह, सेम एकदम। फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर आती है जहां पे आपके डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आ जाती है ओएसआई मॉडल की। तो इस तरीके से इसकी लेयर्स आती है और यहाँ पे इसकी लेयर्स आती है, तो आप देख सकते हो किस लेयर पे कितनी लेयर्स ओएसआई की समा जा रही है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर ओएसआई की और सिंपल एक एप्लीकेशन लेयर आपकी टीसीपी आईपी मॉडल की सेम होती है, जहां पे आपकी एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएनएस, एसएनएमपी, एनएफएस, आरपीसी, टीएफटीपी, ये सारी प्रोटोकॉल वर्क करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपकी टीसीपी यूडीपी वर्क करती है सबसे ज्यादा। नेटवर्क में आपकी आईसीएमपी होती है, आईजीएमपी होती है, आईपी होती है, एआरपी होती है, आरएआरपी होती है, फिर डेटा लिंक होती है, फिर फिजिकल लेयर आती है। एसएमटीपी होती है आपकी मेल ट्रांसफर, मेल एक्सचेंज करने के लिए। आपकी एफटीपी होती है फाइल अपलोड करने के लिए। टीएफटीपी होती है फाइल डाउनलोड करने के लिए। टेलनेट होती है टेलीकम्युनिकेशन कराने के लिए, रिमोट कंट्रोल कराने के लिए। डीएनएस होती है आईपी टू रिजॉल्व, आईपी टू डोमेन रिजॉल्व करने के लिए और डोमेन टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए। एसएनएमपी होती है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। एनएफएस होती है डाटा रेट के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, जो कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर यानी ओएसआई मॉडल की इन लेयर्स पे वर्क करता है और टीसीपी आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है जो कि ओएसआई और टीसीपी आईपी दोनों की ही सेम होती है, जहां आपका टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्क करता है और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी वर्क करता है। यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो चेक करा जाता है। पहले यहाँ वेरीफाई होता है, इसमें वेरीफाई नहीं होता है, इसमें करेक्शन ओरिएंटेशन होता है, मतलब पहले पैकेट का रिस्पांस देखा जाएगा, इसके बाद पूरे पैकेट सेंड करे जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ डाटा लूज का खतरा नहीं होता, यहाँ पे डाटा लूज का खतरा होता है। तो ट्रांसपोर्ट आपका डाटा कैसे होगा, टीसीपी यूडीपी पे वर्क करता है। इनके एक्चुअल में पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट का पूरा प्रोटोकॉल सूट होता है। अगली वीडियो में इन्हीं का पूरा मैं आपको प्रोटोकॉल सूट दिखाऊंगा। इसके बाद हमारी नेटवर्क प्रोटोकॉल आती है, जहां पे आपका आईसीएमपी, आईजीएमपी, आईपी, एआरपी, आरएआरपी वर्क करता है। आईसीएमपी से आपका यहाँ पे कंट्रोल, एरर कंट्रोल होता है कि आपका जो डाटा है, पैकेट है, वो लूज हो रहा है, अलर्ट दिखाएगा, उसके बारे में एरर दिखाएगा अगर हो रहा होगा तो। आईजीएमपी में क्या होता है, पूरा ग्रुप मैनेजमेंट होता है, आपका जो डाटा जा रहा है वो आपके ग्रुप में जा रहा है, तो आपका ग्रुप में मल्टीकास्ट हो रहा है, इन सब का मैनेजमेंट आपका आईजीएमपी की मदद से होगा। इसके बाद आईपी की मदद से आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बनेगी कि हाँ भाई इस आईपी से रिस्पॉन्स आना है, इस आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है, इसी को रिस्पॉन्स देना, ये सब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा। एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपका मैक टू आईपी और आईपी टू मैक कन्वर्जन होगा, जिससे आपकी एक यूनिक पहचान बनेगी इंटरनेट में। आरएआरपी में रिवर्स हो जाता है, इसमें आपका आईपी टू मैक होता है, इसमें मैक टू आईपी होता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर आपकी डाटा लिंक लेयर होती है, फिर आपकी फिजिकल लेयर होती है। तो डाटा लिंक पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्विच का काम होता है, स्विच का यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट होता है कि आपका डाटा कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहा है बाकी सबसे, तो यहाँ पे स्विच से रिलेटेड सारा काम होता है। और इसके बाद आती है आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, दोनों की फिजिकल लेयर जो है, दोनों की नहीं, एक्चुअल में जो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर है वो आपके टीसीपी आईपी मॉडल में सेम होती है। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल की अलग होती है। तो इस लेयर में आपका स्विच से कंट्रोल होता है पूरा, जो भी मल्टीकास्ट के टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है कि सभी कंप्यूटर में होप टू होप डिलीवरी कर सकते हैं, होप टू होप डिलीवरी से मतलब कनेक्शन ओरिएंट कर सकते हैं वो, और साथ ही साथ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, जस्ट लाइक आपका वायर कौन सी है, वायरलेस मीडियम इस्तेमाल करो, ये सब आपका इस लेयर में आता है। तो ये एक्चुअल में हम यहाँ पे इसको कॉन्सेप्चुअली दिखा सकते थे, इसलिए हमने इसका यहाँ पे जरूरत पड़ी है और हमने इसे क्रिएट किया टीसीपी आईपी मॉडल को, नहीं तो रेफरेंस मॉडल आपका पूरा ओएसआई मॉडल ही होता है। तो यहाँ पे आपकी नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है प्रॉपर मैंने यहाँ पे देखो दिखा रखा है। दिस लेयर करेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर एंड ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो कॉम्बिनेशन होता है इन लेयर्स का। इट लुक्स आउट फॉर द हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड द प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट इन द लेयर अलाउज फॉर द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होती है जिनकी मदद से यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट एआरपी बीइंग अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर। तो एआरपी जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसके बारे में यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन होती है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे वर्क करती है। बट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट डिक्लेयरिंग इट एज अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर ऑफ
और नेटवर्क एक्सेस लेयर, इट इज डिस्क्राइब्ड एज रिसाइडिंग इन लेयर 3 बीइंग इनकैप्सुलेटेड बाय लेयर 2 प्रोटोकॉल्स। क्योंकि यार ये पूरी तरीके से इसे हम प्रोटोकॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी वर्क करती है जो कि प्रोटोकॉल नहीं होती, जो कि रूल्स नहीं होते हैं, जो कि सिर्फ एक सर्विसेज होती है जो कि एक दूसरे को कम्युनिकेशन कराने में मदद करती है, इसलिए पूरी तरीके से इसे प्रोटोकॉल नहीं कहा जा सकता है। तो ये थी आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसके बाद आती है आपकी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में आपके देखो द लेयर पैरेलल्स द फंक्शन ऑफ वीएसआई नेटवर्क लेयर। यहाँ पे आपका इंटरनेट लेयर होती है, तो इंटरनेट से रिलेटेड नेटवर्किंग से सारे ट्रांसमिशन के वर्क होते हैं। आपकी तीन मेन प्रोटोकॉल्स होती है, मैंने बता दिया आईपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी और एआरपी, आरएआरपी। तो ये चारों पांचों प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है ऑलरेडी। तो ये सब इंटरनेट लेयर पे वर्क करती है। इसके बाद आपकी आती है होस्ट टू होस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस लेयर में आपका क्या होता है, लेयर टू लेयर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है कि आपका डाटा यूडीपी के थ्रू जा रहा है या टीसीपी के थ्रू जा रहा है, तो आपका कनेक्शन पैर ही ओरिएंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आप कैसे पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, पहले रिक्वेस्ट देख रहे हो नहीं देख रहे, तो यह टीसीपी आई यूडीपी का पूरा काम आपका होस्ट टू होस्ट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। इसके बाद आती है आपकी सबसे टॉप लेवल की लेयर, जो कि होती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि कॉम्बिनेशन है तीन ओएसआई मॉडल लेयर का, एक सेशन लेयर, एक आपका एप्लीकेशन लेयर, एक आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो तीनों में आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रोटोकॉल्स होती है, तीनों में नहीं एक्चुअल में आपकी जो टॉप लेवल की एप्लीकेशन जो होती है उसमें होती है एचटीटीपी, एचटीटीपी, एसएफटीपी, टीएफटीपी, टेलनेट, एसएसएच, एसएमटीपी, एसएनएमपी, एनटीपी, एनएफएस, डीएनएस, डीएससीपी और भी बहुत सारी। तो इन सभी प्रोटोकॉल का आपका एप्लीकेशन लेयर में आपका वर्क होता है कि कैसे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ होती है। सिक्योर सॉकेट लेयर यहीं पे होती है, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं सिक्योरिटी की, आपका नेटवर्क कैसा है, सिक्योरिटी सारा यहीं पे होता है। तो एप्लीकेशन लेयर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन्हीं सब लेयर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और एज अ नोट आप इन्हें कभी भी रिवाइज कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन जो भी मैं दिखाता हूँ उनकी सभी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया करता हूँ, तो आप वहां से जाके इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जिनका पर्पस बेसिकली जो क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे एआरपी है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यूज टू एसोसिएट एन आईपी एड्रेस टू मैक, यानी आईपी को मैक के साथ रिजोल्व करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जैसे मैक टेबल बनती है, मैक टेबल में एक साइड आपका आईपी होता है, एक साइड आपका मैक होता है, तो आपको आईपी से नहीं पहचाना जाता है, आपको मैक से पहचाना जाता है, और जो आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका आईपी की मदद से होता है। तो इस तरीके से रिजोल्विंग के लिए हम एआरपी को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। फिर आता है आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करती है आपके डाटा को एक जगह से सोर्स से लेकर आपका होस्ट तक पहुंचाती है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो एक यूनिक आइडेंटिटी आपके कंप्यूटर को बनाने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होती है, ये डिटेक्ट करती है एरर्स, आपको अलर्ट दिखाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके नेटवर्क में उससे रिलेटेड होती है, जस्ट लाइक होस्ट अनरीचेबल। फिर आती है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पे पहले पैकेट का रिस्पांस देखा जाता है, फिर पैकेट सेंड करे जाते हैं, यानी ट्रांसमिशन करा जाता है, तो ट्रांसमिशन का एक तरीका होता है ये। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यहाँ कनेक्शन ओरिएंटेशन नहीं देखा जाता, डायरेक्ट आपका डाटा भेज दिया जाता है, तो पैकेट लूज भी हो जाते हैं इसमें कई बार। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक दूसरे को फाइल ट्रांसफर करना है नेटवर्क में, हम एफटीपी का यूज करते हैं। टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यूज टू कनेक्ट कमांड बेस्ड रिमोट कंप्यूटर, कमांड से हम किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोट पे लेना चाहते हैं टेलनेट का यूज कर सकते हैं। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, आपका जो होस्ट नेम होता है डोमेन होता है उसे आईपी में कन्वर्ट करना और वापस आईपी से डोमेन में कन्वर्ट करने का काम डीएनएस का होता है। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज टू ट्रांसफर फाइल्स इमेजेस टेक्स्ट साउंड वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो चाहे किसी दूसरे डाटा के रिलेटेड हो, इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का ही वर्क होता है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं जो कि टीसीपी और यूडीपी में ही वर्क करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, टीसीपी यूडीपी की खुद के पोर्ट नंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। तो वो कौन से पोर्ट नंबर कैसे लाई करते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि पूरा होगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, टीसीपी आईपी मॉडल आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं टीसीपी आईपी और ओएसआई में। जैसे टीसीपी आईपी आपका एक इम्प्लीमेंटेशन है ओएसआई मॉडल का, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वहीं ओएसआई आपका एक रेफरेंस मॉडल है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये थियोरटिकल है, ठीक है। मॉडल अराउंड विच इंटरनेट इज डेवलप्ड, तो इंटरनेट कैसे डेवलप्ड है ये सब पूरा टीसीपी आईपी से आपको समझ में आता है। ये एक थियोरटिकल मॉडल होता है जिसमें आपको बताया जाता है आपका डाटा कैसे सेंड होता है, कैसे रिसीव होता है। इसमें चार ही लेयर्स होती हैं, मेन चार लेयर्स होती हैं, एक बेसिकली पांचवी एक्स्ट्रा होती है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। इसमें आपकी सात लेयर्स होती हैं, कंसीडर्ड मोर रिलायबल, इसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है, इसे कम रिलायबल माना जाता है। प्रोटोकॉल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड, इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं बताया जाता कि यही प्रोटोकॉल होगी यही काम करेगा, ऐसा नहीं होता।
इसमें स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज है कि भाई यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होगा तो यही प्रोटोकॉल यूज होगी। हॉरिजॉन्टल अप्रोच होती है, इसमें वर्टिकल अप्रोच होती है। अब अप्रोच से कैसे कि आपका डाटा ऐसे ही ट्रांसफर होगा और फिर ऐसे ही रिसीव होगा, और यहाँ पे क्या है कि ऐसे हो गया और आराम से उस रिसीव हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से। कंबाइंस द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन द एप्लीकेशन, तो यहाँ कॉम्बिनेशन होता है कुछ लेयर्स का और इसमें इस लेयर पे। प्रोटोकॉल्स वर डेवलप्ड फर्स्ट एंड देन द मॉडल वॉज डेवलप्ड, तो पहले प्रोटोकॉल्स बनी थी और टीसीपी आईपी मॉडल को तो बाद में बनाया गया है। ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये अभी लेटेस्ट ही बनाया गया है ओएसआई के बहुत बाद, और ओएसआई काफी पुराना मॉडल है और इसी के बाद आपकी प्रोटोकॉल बनी है, बन बन के इसमें जुड़ी है, पहले नहीं थी। सपोर्ट्स ओनली कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क लेयर, तो कनेक्शन लेस जो भी नेटवर्क लेयर होते हैं वही इस पे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और जो भी इंटरनेट से कनेक्शन रिलेटेड होते हैं वो इस तरीके से वर्क कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली जो लास्ट में इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो मैं बता देता हूँ। लास्ट पहले यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्टैंडर्ड, इसमें प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होती है। प्रोटोकॉल की मदद से ये पूरा वर्क करेगा टीसीपी, और ये आपका बिना प्रोटोकॉल पे भी वर्क कर सकता है अगर आपकी उसका अल्टरनेट मिल जाए तो। तो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो अगर आप सिंपल एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर से दूसरे मोबाइल फोन को जैसे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने डाटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तब आपका टीसीपी आईपी मॉडल वर्क करेगा। मतलब जहां पे आपकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से ना होकर एक सीमित हो तब टीसीपी आईपी मॉडल वर्क करेगा, और ओएसआई तब वर्क करेगा जब आप पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें कोई सिंपल आपस में एक लिमिटेड जगह तक ही हमें एक्सेस लेना है, ट्रांसमिशन करना है, टीसीपी हम यूज करेंगे। अगर हमें पूरी दुनिया का पूरा लेना है कि सब कुछ कनेक्शन में आ जाए, ओएसआई यूज करेंगे। तो ये दोनों में कुछ अंतर है, आप इसे देख सकते हो। प्रेजेंटेशन पूरी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो यहीं तक था आज का टॉपिक, ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल, और यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर बता भी दिया टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो, थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरीके की कोर्सेज देखना है तो आप नीचे प्रेजेंटेशन इसकी जो है डाउनलोड कर लेना, और साथ साथ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो अगर अभी तक एक्सेस नहीं किया है। पूरा कोर्स नेटवर्किंग का देखो और एक्सपर्ट बन जाओ कोर्स में। CCNA, CCNP, CEH इस तरीके के कोर्स देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, तो बहुत ही जल्दी ये सारे कोर्सेज भी इस चैनल पे आने वाले हैं। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।